आलोक मौर्य संग परिवार पर लटकी खतरे की तलवार। आलोक मौर्य भी फंसे मुसीबत में। योगी सरकार करेगी ज्योति मौर्य मनीष दुबे को बर्खास्त। मनीष दुबे पर लटकी खतरे की तलवार। क्या एसडीएम ज्योति मौर्य को करना चाहिए सस्पेंड? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। प्रयागराज के बरेली से इस वक्त लगातार सुर्खियों में बनी हुई है एसडीएम ज्योति मौर्य, जिन पर आरोप लगाया गया है उनके पति आलोक मौर्य की तरफ से कि एसडीएम बन जाने के बाद ज्योति मौर्य ने उन्हें मारने तक की साजिश रच डाली। दरअसल आलोक मौर्य का कहना रहा है कि ऊंचाई तक पहुंच जाने के बाद, एसडीएम बन जाने के बाद ज्योति मौर्य ने उनका साथ छोड़ने तक का फैसला ले लिया, क्योंकि ज्योति मौर्य संपर्क में आ गई होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ। अब देखा जाए, ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इस मामले में नए नए खुलासे हर दिन हो रहे हैं। ज्योति मौर्य ने अब आलोक मौर्य और उनके पूरे ही परिवार पर आरोप लगा दिया है दहेज उत्पीड़न का। जहां एक तरफ ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य को लेकर ये खुलासा किया कि आलोक मौर्य जो है वह दहेज मांगा करते थे, साथ ही साथ परिवार के सदस्य भी। लेकिन अब ज्योति मौर्य ने एक और बड़ा खुलासा किया है, इस मामले में नया मोड़ आ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि अब आलोक मौर्य के भाई विनोद मौर्य को लेकर, अपने जेट को लेकर ज्योति मौर्य ने दावा किया है कि ना सिर्फ आलोक मौर्य ने उनसे झूठ बोलकर शादी की, बल्कि जब विनोद मौर्य की शादी हुई थी तब भी उन्होंने झूठ बोला था। उन्होंने अपनी जेठानी और जेठ के रिश्ते को लेकर खुलासा कर दिया है। ज्योति मौर्य का कहना साफ तौर पर रहा है कि आलोक मौर्य जब उनके साथ शादी के बंधन में बंधे थे तब उनका कहना रहा कि वह एक ग्राम पंचायत अधिकारी है, लेकिन वह निकलते हैं सफाई कर्मचारी। और आज देखा जाए तो यहाँ पर ज्योति मौर्य ने जो खुलासे किए हैं उन्हें जानने के बाद आप भी हैरान हो जाने वाले हैं। और ऐसे में देखा जाए तो अब परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर ज्योति मौर्य मांग कर रही है कि एक कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। ज्योति मौर्य का कहना साफ तौर पर रहा कि व्हाट्सएप चैट जिस तरह से डिलीट हुई है, उनके व्हाट्सएप अकाउंट को हैक किया गया आलोक मौर्य की तरफ से। वहीं उनका कहना यह भी रहा है कि उनकी प्राइवेट तस्वीरें हैं जो आलोक मौर्य वायरल कर सकता है। उनके पास उनके कागजात हैं, सरकारी कागजात, तमाम डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो कहीं ना कहीं आलोक मौर्य वायरल कर सकते हैं, और ऐसे में कड़ा एक्शन लिए जाने की बेहद जरूरत है। इस बीच देखा जाए तो ज्योति मौर्य ने तमाम खुलासे किए हैं, और ज्योति मौर्य ने जहां एक तरफ विनोद मौर्य को लेकर अपनी जेठानी शुभ्रा मौर्य को लेकर खुलासे किए हैं, तो वहीं खुद शुभ्रा मौर्य भी बोल पड़ी हैं। उन्होंने भी यहां पर ससुराल वालों को लेकर अपनी बात रखी और ये तक कहा है कि वह एफआईआर तक दर्ज कराने के लिए पहुंची थी। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिरकार इस मामले में नया मोड़ कैसे आया है और क्या कुछ कहना रहा है शुभ्रा मौर्य का, क्या कुछ कहती हैं ज्योति मौर्य, सुनिए जरा। आजकल मेरे बारे में गलत बातें की जा रही हैं, जैसे कि मेरे अवैध संबंध और उसको लेकर मेरे वीडियो भी वायरल किए जा रहे हैं। अब इन सब चीजों को लेकर बात इतनी बढ़ चुकी है कि मैं जो भी कहूंगी वो लगेगा कि मैं इस मामले में लीपापोती कर रही हूं। इन सभी आरोपों के बारे में मैं कोर्ट में जवाब दूंगी। झूठ का शिकार सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरी जेठानी भी हुई है कि आलोक मौर्य के परिवार ने अपने बड़े बेटे विनोद मौर्य की शादी भी आलोक की तरह झूठ बोलकर की थी। जेठ की शादी के वक्त उनकी पत्नी के घर वालों को झूठ बोला गया था कि लड़का यानी उनके जेठ पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो में अधिकारी हैं, जबकि शादी के बाद दुल्हन यानी उनकी जेठानी जब घर आई तो सारी पोल खुल गई। उन्हें पता चला कि उनका पति अधिकारी नहीं बल्कि वह तो क्लर्क है। पीसीएस अधिकारी ज्योति का कहना है कि मेरी जेठानी की तरह मुझसे भी शादी के वक्त झूठ बोला गया था। मुझे बताया गया था कि आलोक ग्राम पंचायत अधिकारी है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि वह चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है। मेरी जेठानी के अलावा एक देवरानी भी है। आलोक के घर वाले उसके साथ भी मारपीट करते हैं कि तीनों बहू से ये परिवार दहेज की मांग करता रहा है। देवरानी ने भी इस परिवार के खिलाफ केस दर्ज करवा रखा है। दहेज की मांग के चलते मैंने आलोक से तलाक लेने का फैसला लिया है। अचानक से आलोक मौर्य पर एफआईआर दर्ज करने की बात क्यों करते नजर आ रहे हैं? वो इसलिए कि वो उनसे बदला लेना चाहती हैं, या फिर इसलिए कि उनके सम्मान को ठेस पहुंचाए? दरअसल ज्योति मौर्य जी, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको इस बात को लेकर बुरा लग रहा है कि आपकी अश्लील वीडियो या ऑडियो
या फिर आपके जो कोई सबूत हैं, जो स्क्रीन शॉट है, या फिर आपके तमाम चीज़ें जो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए हैं, ये आलोक मौर्या मजबूरी में या फिर हालात को देखते हुए क्या, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कसूरवार है, वो आपका बेगुनाह है। सच्चाई ये है कि जिस जो गलती आपने किया इस बात को आपको कबूल करना चाहिए, जो गलती आपने किया उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, जो गलती आपने किया उन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि नहीं करेंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप FIR दर्ज कर आलोक मौर्या से बदला ले लेंगे। आपने दरअसल उनके खिलाफ FIR तो दर्ज करवा दिया, लेकिन मनीष दुबे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए था। ज्योति मौर्या जी, आपने भी गलत किया है एक संवैधानिक पद पर बैठकर, लेकिन सच्चाई ये है कि आज अब तक इसलिए आप बची हुई हैं क्योंकि ये दिन दरअसल आलोक मौर्या की वजह से बची हुई है। इसलिए वो रोता रहा, वो बिलखता रहा, वो तड़पता रहा अपने बच्चों के खातिर, अपने बच्चों के लिए उन्होंने इन तमाम कुर्बानियाँ दी, लेकिन आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा। आदेश की बेटियों पे भी फ़र्क पड़ा, लेकिन आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि आपने इन चीज़ों के बारे में ना तो सोचा ना समझा। इसीलिए अब जो है तमाम जिम्मेदारी आपकी ही है कि जब तक अब आपको सजा नहीं होता है या आप सलाखों के पीछे नहीं जाती हैं या जेल नहीं डाला जाता है, तब तक आलोक मौर्या और आप लोगों की लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें कि इस मामले में नया खुलासा हुआ, वो ये कि अब SDM ज्योति मौर्या अब जो है आलोक मौर्या के खिलाफ कार्रवाई करेंगी, FIR दर्ज करेंगी। जो हमने बताया वजह ये कि उन्होंने पोस्ट कर दिया। अब देखना पड़ेगा कि आगे इन चीज़ों पर क्या कुछ होता है और किस तरीके से सरकार इस पर एक्शन लेती। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जहां एक तरफ ज्योति मौर्य ने तमाम खुलासे किए तो वहीं शुभ्रा मौर्य ने भी, ऐसे में देखा जाए तो शुभ्रा मौर्य भी अब इस मामले में चर्चा का विषय बन चुकी हैं। आपको जानकारी दे दें कि 10 जुलाई 2023 को शुभ्रा मौर्य ने FIR दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन महज 5 दिनों बाद ही 15 मई के दिन उनके पति और उनके परिजनों ने हंगामा कर दिया। नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा और ऐसे में यहां पर शुभ्रा मौर्य का कहना यही रहा कि वह जब तक ससुराल में रह रही थी तब तक उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया। शुभ्रा मौर्य अब इस मामले में नया मोड़ लाती हुई देखी जा रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो ना सिर्फ यहाँ पर आलोक मौर्य की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, बल्कि यहाँ पर विनोद मौर्य की, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आलोक मौर्य की एक और भाई हैं अशोक मौर्य, क्योंकि ज्योति मौर्य का कहना रहा है कि उनकी एक जेठानी है तो वहीं उनकी एक देवरानी भी है, और तीनों ही बहुओं को यहाँ पर परिवार वालों का किस तरीके से अत्याचार सहना पड़ा है, दहेज उत्पीड़न का मामला यहाँ पर दर्ज कराया गया है, और कैसे यहाँ पर अब आलोक मौर्य के परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए जरा, SDM ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य ने बताया है कि उनके पति विनोद GST विभाग में नौकरी करते हैं। शुभ्रा ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके पति ने भी शादी से पहले खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी बताया था। अपनी शादी से जुड़े झूठ को धोखाधड़ी बताते हुए शुभ्रा ने आलोक की शादी वाले कार्ड का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया खुद को ग्राम विकास अधिकारी बताकर ज्योति से शादी करने वाली बात सही है। हालांकि ज्योति और आलोक के बीच हो रहे विवाद को शुभ्रा ने पति पत्नी का झगड़ा बताते हुए आगे कमेंट करने से मना कर दिया। शुभ्रा का दावा है आलोक का परिवार सिर्फ पैसों का भूखा है। इन्होंने अपने साथ हो रही प्रताड़ना की वजह 2 बेटियों का जन्म होना बताया। पुलिस की कार्रवाई को भी कटघरे में खड़ा करते हुए ज्योति मौर्य की जेठानी ने कहा कि उन्होंने अपने साथ हुए टॉर्चर की साल 2018 में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ था। उनके मायके वालों ने प्रयागराज में एक घर खरीद लिया था। इस घर को बिकवाने का दबाव उनके ससुराल वालों द्वारा लगातार बनाया गया। विनोद मौर्य अपनी बीवी शुभ्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए आत्महत्या करने की धमकी दिया करता था। शुभ्रा का कहना है कि अब वह अपने ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने जा रही है। जहां एक तरफ SDM ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं, उनके परिवार के सदस्यों पर आरोप लगाया गया है दहेज उत्पीड़न का, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो आलोक मौर्य की उन्होंने मुश्किलों को बढ़ा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य की मुश्किलें भी बढ़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि ज्योति मौर्य अपने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कह चुकी है कि कैसे उन्होंने ससुराल जनों का अत्याचार सहा है, और अब देखा जाए तो वह तलाक की अर्जी दाखिल कर चुकी है
प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में। प्रयागराज फैमिली कोर्ट में ये मामला चल रहा है और अब देखा जाए अगली सुनवाई 18 अगस्त को होने वाली है और इस सुनवाई से पहले ज्योति मौर्य ने तमाम राज खोल दिए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ जो उनका अफेयर चल रहा है उस अफेयर को लेकर उनका कहना साफ तौर पर यही रहा है कि अगर अपनी लाइफ में कोई आगे बढ़ना चाहता है तो आखिरकार इसमें बुराई ही क्या है। दूसरी ही तरफ ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तमाम सोशल मीडिया पर इस वक्त ऑडियो कॉल वायरल हो रही हैं। आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए बताने जा रहे हैं जो ऑडियो कॉल तेजी से वायरल हो रहा है उस ऑडियो कॉल के चलते कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया पर यह ऑडियो कॉल चर्चा का विषय बना हुआ है। इस ऑडियो कॉल में सुनने को यह मिला है कि आलोक मौर्य को रास्ते से हटाने की बातचीत की जा रही थी ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच, लेकिन आपको यह भी बता दें कि नेक्स्ट नाइन न्यूज इस ऑडियो कॉल की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऑडियो कॉल वाकई में मनीष दुबे और ज्योति मौर्य की होती है तो दोनों की मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जा सकती है। सुनिए जरा। हेलो, हाय बेबी, हाय, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं यार, काम कर रही थी। आप इतनी टाइम क्यों कॉल कर रही हो? मेरे आलोक जी को पता चल जाएगा तो वो पता नहीं। अरे तुम्हारे पति की बात कर रहे हो? अरे पति तो कोई बात है, सोया नहीं अभी तक क्या? वो नहीं, अभी जग रहे हैं, बच्चों के पास है। बच्चों के पास है? यार तुम कब से मेरे को बोल रही कि यार उसको तलाक दूंगी? कब दे रही हूँ? मतलब क्या है तुम्हारा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। यार जब बोला है तलाक देने के लिए दूंगी, वो देगा तभी तो ना ही वो मुझे तलाक दे रहा है। सोशल मीडिया पे इतना ड्रामा कर दिया, इसको तो जी करा जान से मार दू। क्या क्या नहीं वो करा, जाके झूठी कम्प्लेन भी करवाया कि दहेज के चक्कर में इन लोगों ने मुझे मारा पीटा और बोल रहे हैं तो पैसों के लिए, फिर भी वो पता नहीं कैसे बच जा रहा है। तो यार अब मेरी बात सुनो, मैं इसमें क्या हेल्प करना करूँ ये बताओ। मैं तो बस ये चाहता हूँ साथ में रहें और तुम्हारा पति अलग हो जाए। क्या? मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें और तुम्हारा पति अलग हो जाए, तो इसमें क्या हेल्प करूँ बताओ। क्या करना है यार, इसको अपना जान से मरवाना है क्योंकि इसका तो कोई वो है नहीं, पता नहीं कब तक क्या करेगा क्या चलेगा, ये जान से मरेगा, खत्म कहानी होगी इसकी। बाकी तुम अपने पास को कब तलाक दे रहे हो? अच्छा तो क्या करें बताओ, क्या प्लान करें ये बताओ। कुछ सोचते हैं इसके ठिकाने लगाने का। अच्छा गाड़ी से कुचलवाते? हाँ और नहीं तो क्या, वो सुबह सुबह जॉब पे जाते हैं ना। हाँ या फिर शाम को जब आते हैं उस टाइम, दो ही टाइम है हमारे पास इनको घर से बाहर निकलते हैं। अच्छा तुमने खाना खाया? अगर खाना नहीं खाया ना तो जहर है ना, जहर की दवाई मार दो उसे। यार जहर मैं कैसे लेके आऊंगी, तू पता ही तो मैं दुकान है, जहर देती भी नहीं है पहले, पूरा उनको जाना है। हाँ वो भी ऐसे जहर देंगे तो चूहा हुआ मान रही, उसे तो मरने वाला नहीं है। अच्छा अरे नहीं मर जाएगा जब चूहे मारने की अगर दवा दोगे तो? अरे नहीं मरेगा वो, पता है मुझे चूहे मारने से कोई थोड़ी ना मरता है दवाई से। अच्छा सुना आपने, इस ऑडियो में बेहद सनसनीखेज बातें हो रही हैं, इसमें हत्या की प्लानिंग हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ये ऑडियो ज्योति और मनीष के बीच बातचीत का है? अगर वाकई ऐसा है तो ये मामले में बड़ा सबूत साबित हो सकता है। एक बार फिर सुनिए ये ऑडियो। हेलो, हाय बेबी, हाय, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं यार, काम कर रही थी। आप इतनी टाइम क्यों कॉल कर रही हो? मेरे आलोक जी को पता चल जाएगा तो वो पता नहीं। अरे तुम्हारे पति की बात कर रहे हो? अरे पति तो कोई बात है, सोया नहीं अभी तक क्या? वो नहीं अभी जग रहे हैं, बच्चों के पास है। बच्चों के पास है? यार तुम कब से मेरे को बोल रही कि यार उसको तलाक दूंगी, कब दे रही हूँ? मतलब क्या है तुम्हारा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। यार जब बोला है तलाक देने के लिए दूंगी, वो देगा तभी तो ना ही वो मुझे तलाक दे रहा है। सोशल मीडिया पे इतना ड्रामा कर दिया, इसको तो जी करा जान से मार दू। क्या क्या नहीं वो करा, जाके झूठी कम्प्लेन भी करवाया कि दहेज के चक्कर में इन लोगों ने मुझे मारा पीटा और बोल रहे हैं तो पैसों के लिए, फिर भी होमगार्ड
कमांडेंट मनीष दुबे पर इस वक्त खतरे की तलवार लटक रही है। ज्योति मौर्य को तो बर्खास्त करने की मांग की ही गई, लेकिन दूसरी ही तरफ मनीष दुबे को बर्खास्त करने की मांग भी की गई है। प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला चल रहा है। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो इस मामले में नए मोड़ आते हुए भी देखे जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि मनीष दुबे को लेकर अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। मनीष दुबे भी शादीशुदा हैं। सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तमाम तस्वीरें और यहां पर देखा जाए तो सर्टिफिकेट वायरल हो रहे हैं। इसी बीच देखा जाए तो मनीष दुबे की जो पत्नी है तनु पराशर, उन्होंने आलोक मौर्य से बातचीत की। आपको बता दें कि आलोक मौर्य से तनु पराशर ने साफ तौर पर कहा है कि SDM ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच जो अफेयर चल रहा था उसके बारे में उन्हें पहले से ही पता था। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि मनीष दुबे एक अच्छे इंसान नहीं है, महिलाओं के साथ उनका व्यवहार दुर्व्यवहार होता हुआ उनका दिखाई दिया है। दूसरी ही तरफ यहां पर तनु पराशर ने और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बीच देखा जाए तो सोशल मीडिया पर तमाम ऑडियो कॉल्स वायरल हो रहे हैं। एक कॉल ये वायरल होता हुआ नजर आया कि SDM ज्योति मौर्य से बातचीत की है तनु पराशर ने। नेक्स्ट 9 न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो पूर्व DG से बातचीत की तनु पराशर ने। लेकिन आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया पर ये ऑडियो कॉल वायरल हो रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है। आपको बताते हैं और आपको दिखाते भी हैं। आप यहां पर सुन सकते हैं बखूबी कि आखिरकार तनु पराशर ने पूर्व DG से क्या कुछ कहा और मनीष दुबे पर क्या कुछ गंभीर आरोप लगे हैं, सुनिए जरा। जी सॉरी, वो नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा था, अब कनेक्टिविटी सही हो गई। तो इनकी एक कंप्लेन मुकुल गोयल के यहाँ भी पड़ी हुई है, तो वो जो 14 महीने पहले मतलब ये संकेत कुमारी अलग है और वो लड़की अलग है। हाँ, 3 लड़कियों का टोटल कंप्लेन है ना। अच्छा, एक तो जो आपने आर्टिकल पढ़ा ये तो पुरानी न्यूज़ है। जी हाँ, एक कोई है जो कि चीफ मिनिस्टर के पास लड़की रोती हुई गई, वो सामान्य कोई लड़की है। अच्छा ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट से नहीं है। जी जी जी। और तीसरा कंप्लेन वो था तीसरा कंप्लेन गोयल साहब के पास, जो गोयल साहब के पास DGP के अंदर दी गई है। तो DGP क्या गई, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हाँ वो ब्राह्मण है, वो मतलब जनरल में आती है या कैसे में आती है वो, ये नहीं मुझे पता। मुझे सिर्फ ये पता है क्योंकि मैं रीजन नहीं बता सकता था ना उस समय कि मैं क्यों ये इंक्वायरी कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि भाई इनके बारे में पता करना है, इनसे किसी लड़की की शादी होनी है, तो बिकॉज ऑफ दैट आई एम ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट, राइट? एग्जैक्टली राइट। तो ये बोला था ना, मैं और ज्यादा डिटेल नहीं जा सकता था, ब्राह्मण है कौन से कास्ट की। नहीं नहीं, बाप रे बाप, मेरा तो दिमाग जो है एकदम चक्कर खा जाएगा। बताइए, ये सब तो पता है, ये ऐसा महिलाओं को ही क्यों करता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। महिलाओं को करता है बिकॉज कैरेक्टर जब खराब होता है तो लोग क्या करेगा, बताइए मुझे। सही कह रहे हैं आप, कैरेक्टर आपका सही हो तो आप नहीं करिएगा। मतलब ये देखिए, एक केस होता तो मैं मान लेता कि किसी को इन्होंने कुछ कहा और इनको कोई डिपार्टमेंट का लोग तंग किया, 2-3 समझ, ऐसे नहीं होता। चौथा मैं, चौथी मैं खुद, तो आप खुद भी तो विटनेस हैं इसके। मैं तो खुद ही गवाह हूँ इस चीज की भाई। I'm shocked, क्या करिए भाई, तो this happens। इसकी तो मैं ईंट से ईंट बजाऊंगी। अब ये जो बहुत शातिर छाना जो अपने आप को समझा है, ये देखिए मैं आपको बताऊं, इसकी फेसबुक तो jeevansathi.com, ठीक, ये मेरा करेक्टर स्टिक बता रहा है। इसकी फेसबुक jeevansathi.com, इसके जितने कॉल्स लड़कियों से बात करता है, सारी लड़कियों से बात, आदमी पुरुष किसी पुरुष से भी बात करेगा ना तो 10 से 15 मिनट से ऊपर कोई पुरुष से बात नहीं किया है लड़कियों के साथ। मतलब यार, अब जो कंप्लेन वाली सुनकर तो मैं और मतलब हद है। ये तो मुकुल जी से तो इसमें वास्तव में मिलने वाला है कि सर आपके ऑलरेडी ये कंप्लेन के अगेंस्ट पड़ी हुई है। बिल्कुल है ना, मुकुल जी तो बहुत अच्छे, बहुत सज्जन हैं जो मुकुल जी यहाँ पे आए हैं। बहुत सज्जन इंसान है। हाँ, बहुत सज्जन इंसान है वो, तो उनसे तो वास्तव में सज्जन है तभी डिपार्टमेंट की बदनामी ना हो, मीडिया में उछले, नहीं समझ रहे। लेकिन मुकुल जी तो अभी आए हैं ना, और कंप्लेन पड़ी आपके पास गया, कंप्लेन तो DG के पास ही रहेगा ना। तो पिछले वाले ने नहीं लिया तो अभी वाले ने क्यों नहीं एक्शन लिया।
Got my point. और सब ठीक है, इतना तो सुन के तो मैं तो हिल ही जा रही। नहीं, टेंशन मत लीजिए, और मैं आपको, हम लोग ना शाम में अच्छे से फिर बात करते हैं, ठीक है जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप दोस्त आ गए हैं, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, बाय बाय। आपने सुना कि किस तरीके से मनीष दुबे की पत्नी ने यहाँ पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अब देखा जाए तो मनीष दुबे पर यहाँ पर खतरे की तलवार तो पहले से ही लटक रही है। आखिरकार योगी सरकार यहाँ पर इस मामले में क्या कुछ अहम फैसला लेगी, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर तनु पराशर को लेकर जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, ये भी हमने आपको बताया ही अपनी तमाम रिपोर्ट्स के जरिए। लेकिन एक बार फिर से आपके बीच पेश करने जा रहे हैं एक खास रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के जरिए आप जानेंगे कि तनु पराशर ने यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसले लिए हैं। आपको बता दें कि तनु पराशर भी यहां पर अब अपनी शादी को टूटती हुई कगार पर देख रही हैं, क्योंकि जहां एक तरफ एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला तलाक तक पहुंच गया है, तो वहीं मनीष दुबे और तनु पराशर का भी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आलोक मौर्य के जो वकील हैं हृदय लाल मौर्य, उनका कहना साफ तौर पर रहा कि महिला संगठन जहां एक तरफ ज्योति मौर्य के समर्थन में है, तो उन महिला संगठनों को अब समर्थन में होना चाहिए मनीष दुबे की पत्नी के भी, क्योंकि वह भी तो एक महिला है, वह भी तो पीड़ित है। क्योंकि देखा जाए, उनका कहना यह रहा कि मनीष दुबे खाकी के दम पर उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और आज देखा जाए तो तनु पराशर भी तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रही हैं। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो तनु पराशर को लेकर भी तमाम राज खुल रहे हैं। सुनिए जरा, एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ अफेयर को लेकर चर्चा में आए जिला होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर भी निलंबन की तलवार लटक रही है। आपको बता दें कि यूपी होमगार्ड्स डीजी बीके मौर्य ने मनीष दुबे को निलंबित करने की सिफारिश प्रदेश सरकार के पास भेज दी है। इसी बीच देखा जाए तो मनीष दुबे की शादी भी इस वक्त खतरे में है, तलाक तक अब बात पहुंच चुकी है, और इस बीच मनीष दुबे को लेकर भी कई खुलासे हो चुके हैं। आपको जानकारी दे दें कि मनीष दुबे की शादी से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी सामने आ चुके हैं। 2021 में लखनऊ के अलीगंज स्थित आर्य समाज मंदिर में तनु पराशर के साथ शादी के बंधन में बंधे थे मनीष दुबे। दोनों ने आर्य समाज मंदिर में 5 अगस्त 2021 को शादी की, और इसी बीच देखा जाए तो तनु पराशर को लेकर भी तमाम खुलासे हो रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि आर्य समाज मंदिर की तरफ से उपलब्ध कराए गए हैं कुछ दस्तावेज, और इन दस्तावेज के मुताबिक सामने आया है कि शादी के वक्त मनीष दुबे ने अपनी सीबीएसई बोर्ड की साल 2003 की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगाई थी। लेकिन इसके अलावा तनु पराशर जो उनकी पत्नी है, यहाँ के दस्तावेजों में अपनी जन्म तिथि दो तरह से इन्होंने लिखवाई, एक आधार कार्ड के मुताबिक और दूसरी उनकी असल जन्म तिथि है। तनु पराशर ने अपनी पहली जन्म तिथि जो लिखवाई वो 1 जनवरी 1990 की है, और ये आधार कार्ड के अनुसार है, जबकि उन्होंने अपनी दूसरी जन्म तिथि लिखवाई वह 2 अक्टूबर 1989 की है। इतना ही नहीं, जो दस्तावेज सामने आए हैं इसके मुताबिक सामने आया है कि मनीष दुबे ने सिर्फ एक ही जन्म तिथि लिखवाई कि आधार कार्ड के अनुसार जो दी गई है। मनीष दुबे का जन्म 23 सितंबर 1989 को हुआ, और दूसरी ही तरफ एक शपथ पत्र भी दिया गया, और ये शपथ पत्र 5 अगस्त 2021 का है, जिसमें लिखा गया है कि वह लखनऊ के इंदिरा नगर के रहने वाले हैं और उनके पिता का नाम मनोज कुमार दुबे है, ये शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हो रही है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि मनीष दुबे और यहां पर उनकी पत्नी तनु पराशर की तरफ से एक ही गवाह को प्रस्तुत किया गया, जिसने दोनों की शादी का गवाह बनते हुए अपने आधार कार्ड को वहां पर लगाया है। आर्य समाज मंदिर लखनऊ के अलीगंज के पूर्णिया चौराहे के पास स्थित है। वकील संतोष मिश्रा ने बताया है कि मनीष दुबे की शादी यहीं पर पूरे रीति रिवाज के साथ तनु पराशर के साथ हुई, और इस मंदिर में दोनों की शादी से जुड़ी तस्वीर भी लगी हुई है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि शादी से जुड़े हुए दस्तावेज और कुछ फोटोज भी यहां पर मौजूद हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहां जहां एक तरफ एसडीएम यहां पर ज्योति मौर्य तमाम दावे कर रही हैं, तो वहीं आलोक मौर्य से बातचीत कर चुकी हैं तनु पराशर, मनीष दुबे की पत्नी। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के अफेयर के बारे में उन्हें पहले से ही पता था, और दोनों के इस अफेयर के चलते शादी के बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। जानकारी दे दें कि अब यहां पर उनकी पत्नी की
तरफ से भी कुछ आरोप लगाए गए हैं उत्पीड़न के। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सामने आया है कि मनीष दुबे की पत्नी के द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भी तस्वीरें पूरी तरह साफ नहीं हुई है। कमांडेंट और उनकी पत्नी तनु पराशर के बीच विवाद को लेकर कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है, तलाक का वाद दायर किया गया है। वहीं दूसरी ही तरफ पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच भी विवाद है और तलाक तक ये बात पहुंच चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर ये बातें भी निकल कर सामने आई हैं कि मनीष दुबे पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है और ऐसे में यहां पर उनकी पत्नी भी उन पर आरोप लगाती हुई देखी जा रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं मनीष दुबे की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई देखी जा रही हैं। इसी बीच यहां पर मनीष दुबे को लेकर ये अहम दावे भी किए गए हैं कि मनीष दुबे को अगर निलंबित किया जाता है तो भी उन्हें कई सुविधाएं मिलती रहेंगी। सरकारी आवास में वह बने रहेंगे, ऑफिस में किसी जांच या जरूरी काम से बुलाए जाने पर सरकारी गाड़ी का वह उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको ये भी बता दें कि उनके आवास परिसर में काम करने वाले कर्मचारी और बॉडीगार्ड भी बने रहेंगे। इसके अलावा यहां पर ये भी सामने आया है कि मेडिकल फैसिलिटीज भी उन्हें मिलती रहेंगी। निलंबित होने के बाद उन्हें सैलरी कैसे मिलेगी? दरअसल मनीष दुबे को 3 महीने तक 50% सैलरी मिलने लगेगी निलंबित होने के बाद। अगर 3 महीने तक जांच पूरी नहीं होती तो 75% सैलरी मिलेगी। अगर 6 महीने तक जांच पूरी नहीं हो सकी तो पूरी सैलरी ही उन्हें मिलती रहेगी। तो फिलहाल मनीष दुबे और उनकी पत्नी को लेकर भी राज खुल रहे हैं और दूसरी ही तरफ यहां पर ज्योति मौर्य उनके साथ रहने का दावा कर चुकी है कि वह अपनी जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहती है तो आखिरकार इसमें बुराई ही क्या है। सुना हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले में अब देखा जाए तो तमाम राज खुल चुके हैं। योगी सरकार के नेतृत्व में इस मामले पर क्या कुछ अहम फैसला लिया जाएगा ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन आपको यहां पर अहम जानकारी दे दें कि 18 अगस्त के दिन इस मामले पर अगली सुनवाई होगी और इस मामले में अगली सुनवाई में क्या कुछ यहां पर फैसला लिया जाएगा ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमने आपको यहां पर तमाम जानकारियां दी, लेकिन अब यहां पर क्या वाकई में एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि समाज पर इस मामले का काफी गहरा प्रभाव पड़ रहा है और इस गहरे प्रभाव से देखा जाए तो मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जाएंगी यहां पर इन तीनों की ही। और दूसरी ही तरफ आलोक मौर्य के परिवार को लेकर अब यहां पर देखा जाए तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो खुलासे हो रहे हैं उन्हें देखते हुए यहां पर यही सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं आलोक मौर्य के परिवार पर भी अब गाज गिरती हुई देखी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कोर्ट का कुछ फैसला होगा, क्योंकि ज्योति मौर्य साफ कह चुकी हैं कि कोर्ट का फैसला तो आने दीजिए, कोर्ट का जो फैसला होगा उस हिसाब से मैं फैसला लूंगी, क्योंकि उनका कहना रहा कि मेरा केस तो पहले से ही कोर्ट में चल रहा है, मैं जो भी जवाब दूंगी वो कोर्ट में जाकर दूंगी। भला यहां पर अपने इंटरव्यूज में वह राज खोलती हुई नहीं देखी गई। अब देखने वाली बात यही होगी क्या ज्योति मौर्य यहां पर अहम फैसला लेती हुई नजर आएंगी कोर्ट के फैसले के मुताबिक, क्योंकि देखा जाए तो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की 2 बेटियां हैं और बेटियों के खातिर आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के साथ समझौता करने के लिए तैयार है। देखते हैं कि आखिरकार ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के साथ समझौता करती हैं या फिर मनीष दुबे के साथ ही जिंदगी बिताना पसंद करेंगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।